classes. आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में और शुरू करते हैं फिर। काइनेमेटिक्स मोशन के साथ डील करता है और मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उनके मोशन की स्टडी करेंगे हम। और इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन और हम कह सकते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन भी। तो सबसे पहले हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे, 1D motion, one dimensional motion. One dimensional motion में mainly हम एक particular straight line में travel करने वाले object के बारे में बात करेंगे। अगर कोई object x-axis के along travel कर रहा हो तो उसके motion को हम one dimensional motion कह सकते हैं। More precisely हम इसको ऐसे define कर सकते हैं कि अगर object का motion कुछ इस तरह से है कि उसका position का सिर्फ एक coordinate ही time के साथ change हो रहा है। जनरली पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स का हम यूज करते हैं, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स वाई और जेड तीनों में से अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो हम बोलेंगे वो वन डायमेंशनल मोशन होता है फंडामेंटली। तो वन डायमेंशनल मोशन की जो फंडामेंटल शुरुआत है वो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से करेंगे हम। जल्दी से इनके बारे में जान लेते हैं, इनका रिवीजन कर लेते हैं और उसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां लोकेटेड है तो एक ऐसा वेक्टर जो ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से कनेक्ट करेगा इसे हम पोजिशन वेक्टर बोलेंगे। अगर ये पॉइंट ए है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कह लेते हैं। और एक दूसरा पॉइंट हम कंसिडर करते हैं जैसे हम बी बोलेंगे और ओरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होगा इसे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से ट्रेवल करके बी पॉइंट पर जाता है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से पाथ्स को फॉलो कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि ये इनफिनिट नंबर ऑफ पाथ फॉलो करता है। तो एग्जांपल के लिए हम एक पाथ कंसिडर कर लेते हैं, ये ऐसा पाथ फॉलो करके ऐसे यहां पहुंच गया, ऐसे ट्रेवल करके एक ऑब्जेक्ट है जो बी पॉइंट पे पहुंच गया और इसको अगर हम कनेक्ट कर दें, ये इनिशियल पोजिशन है, ये फाइनल पोजिशन है, अगर हम इसे यू कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा मेन फोकस इन दोनों पे होगा और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने के लिए जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ का जो लेंथ होता है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम इस पाथ के अलोंग एक थ्रेड रख दें और उसके बाद उसको हटा के इसका लेंथ मेजर करें तो उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रेट लाइन सेपरेशन होता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर केस में अगर ऑब्जेक्ट ने ये पाथ फॉलो किया है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट विल बी लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड, बट सेम केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वेक्टर कनेक्टिंग फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस ये रहा हमारे पास और ये जो डायरेक्शन के साथ हमारे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्विक बातें जो हम शायद ऑलरेडी जानते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिक डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजिशन
के बीच का होता है और इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। अगर ऑब्जेक्ट बी से ट्रैवल करके इधर आता तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बी से ए की तरफ होता। तो डिस्प्लेसमेंट, अब अगर इस पूरे ट्रायंगल को ध्यान से हम ऑब्जर्व करें और इसको थोड़ी देर के लिए डेल्टा आर वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने देखा था, अगर आप इस पूरे को ऑब्जर्व करें तो देखेंगे ये दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और ये वेक्टर इनका रिजल्टेंट है। इसको हम लिख सकते हैं आर ए वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू आर बी वेक्टर। और अगर हम इसे उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो डेल्टा आर वेक्टर आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर होता है। आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर को हम ऐसा भी समझ सकते हैं, आर बी उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पर ऑब्जेक्ट फाइनली गया है और आर ए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करना शुरू किया था। तो एक फॉर्मूले की तरह हम इसका यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका। और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कोई यूनिक फॉर्मूला हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस इनफिनिट टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं, इनफिनिट पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करके यहाँ ट्रैवल कर सकता है, ट्रायंगुलर पाथ फॉलो करके ट्रैवल कर सकता है, रेक्टेंगुलर पाथ फॉलो करके ट्रैवल कर सकता है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कोई यूनिक फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में किस पाथ को फॉलो करता है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक और बात इसमें कंसिडर कर लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यही वाला पाथ फॉलो करके बी पॉइंट पे जाता, डायरेक्टली ए से स्ट्रेट लाइन फॉलो करके बी पे पहुंच जाता, तो हम कहते हैं कि इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है इनफैक्ट, और डिस्प्लेसमेंट से छोटा कोई पाथ पॉसिबल नहीं होता जिससे कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर सके। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मिनिमम मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो इसे नोट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए एक छोटा सा लेते हैं, कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है ए, ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करके पहुंच जाता है बी पॉइंट पर, सेमी सर्कुलर पाथ, ये पाथ इसने फॉलो किया है और इस सेमी सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो ये सी है और मान लिया है सेमी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है आर। तो अगर इस केस में हमसे कहा जाए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है, तो क्योंकि ये सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ, तो इस केस में हम कह सकते हैं सेमी सर्कुलर पाथ का जो लेंथ होता है वो पाई आर होता है, टू पाई आर का हाफ, तो डिस्टेंस पाई आर हम लिखेंगे, यूनिट मीटर ही होती है इसकी, डायमेंशन L होना चाहिए और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0LT0, जबकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हम यहां से यहां तक का स्ट्रेट लाइन सेपरेशन यूज करेंगे और स्ट्रेट लाइन सेपरेशन डेफिनेटली एक डायमीटर होना चाहिए और वो डायमीटर 2R होगा, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इसका 2R हो गया, यूनिट वही मीटर और डायमेंशंस भी सेम M0LT0। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसे नोट कर सकते हैं। अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक इसमें कंसिडर करते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की फंडामेंटल जो डेफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, बट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ट्रेवल्ड इन अ सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। दैट मींस एवरेज स्पीड डील्स विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बट एवरेज वेलोसिटी डील्स विद द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। As displacement is a vector quantity, therefore average velocity will also be a vector quantity, but average speed will be a scalar quantity. Direction of average velocity vector का जो direction होना चाहिए वो displacement vector के parallel होगा, displacement vector के along होगा। तो अगर हम इनको एक formula के तौर पे लिखना चाहिए तो average velocity एवरेज ये होना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, v वेक्टर एवरेज मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। दैट मींस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, where r initial is the position vector at time t1, r final is the position vector at time t2. Definitely ये meter और ये second है, तो इसकी unit meter per second होनी चाहिए और dimensions lt minus 1 होनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ m0 भी लिख सकते हैं। और अगर हम average speed की बात करें, speed तो average speed के लिए हमें formula use करना पड़ेगा, total distance डिवाइडेड बाई टोटल टाइम मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट एल टी माइनस वन, सेम डायमेंशन, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और न्यूमेरिकली हम इसको एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे नोट कर लें। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना शुरू करता है और ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए बी पॉइंट पर पहुंच जाता है और इस सेमी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो 10 मीटर है और इसे यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेम इंटरवल, तो हमें क्या करना चाहिए? स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया है, तो पाई आर होना चाहिए डिस्टेंस। पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस हमें गिवन है 10 और टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड, तो हम कहेंगे 2 पाई मीटर पर सेकेंड। और अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमसे कहा जाए, तो वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। नो डाउट ऑब्जेक्ट को यहां से यहां जाने में 5 सेकेंड लगा है, बट इस सेम 5 सेकेंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r है, दैट इज 10 + 10 = 20। तो 2r डिवाइडेड बाई सेम टाइम हम यूज करेंगे और 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 और हम कह सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। तो सेम इंटरवल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेम पाथ फॉलो करता, यहां से यहां जाता, तो फिर ये इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होते। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है फंडामेंटल डेफिनेशन को समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से है शुरू करता है ट्रैवल करना और ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करता हुआ ही जाता है बी पॉइंट पे, इसने सेम पाथ फॉलो किया, ये ऐसे ए से बी तक गया। जब ये ए से बी तक ट्रैवल कर रहा था तब इसकी जो स्पीड थी वो थी, मान लेते हैं v1 मीटर पर सेकेंड। और जब ये बी से ए तक वापस आता है, ये सेम पाथ स्ट्रेट लाइन फॉलो करके ही वापस आता है, तो वापस आते हुए इसकी वेलोसिटी है v2। मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा क्वेश्चन, आप इसे समझ जाएंगे। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी विद स्पीड v1 एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम बी टू ए ट्रैवलिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन ba विद स्पीड v2। देन कैलकुलेट इट्स टोटल एवरेज वेलोसिटी एज वेल एज टोटल एवरेज स्पीड। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पर गया और बी से वापस ए पॉइंट पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट पूरे इंटरवल में 0 हो गया, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0 ही होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ट्रैवल कर चुका है, ऑब्जेक्ट यहां से वहां ट्रैवल करता है, वहां से यहां जाता है, हमें पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट ए से बी के बीच का जो स्ट्रेट लाइन सेपरेशन कितना है, तो उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x। ए से बी तक का जो स्ट्रेट लाइन सेपरेशन है वो है x। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 2x। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है किसी भी सिस्टम का। यहां पर अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है,
अगर किसी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो क्या सेम टाइम इंटरवल में उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी जीरो होना ही चाहिए? नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। लेकिन अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल मस्ट बी जीरो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो है, तो इस बात का मतलब ये साफ हो जाता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हिला ही नहीं, वहां से वो कहीं गया ही नहीं, और इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो है। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो है, तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड भी जीरो होना चाहिए। बट अगर ये पता है हमें कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन अ सर्टेन इंटरवल इज जीरो, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से कहीं गया हो और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया हो। तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड नॉन जीरो हो सकता है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट 2x माना जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला पता है। तो यहां से यहां ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और वहां से वापस ए पॉइंट पर आने में जो टाइम लगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल टाइम हम कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट जब ए से बी पॉइंट तक गया, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? एक्स, और स्पीड उसकी कितनी रही? v1। तो टाइम के लिए हम कहेंगे एक्स डिवाइडेड बाय v1। और जब ये रिटर्न बैक हो रहा था, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल उसने v2 स्पीड से किया, तो हम लिखेंगे एक्स डिवाइडेड बाय v2। टाइम इन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, टाइम इन ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू ए, और इन दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता लग जाएगा। इसमें से हम एक्स को कॉमन कर सकते हैं, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2, और इस तरह से हमें टोटल टाइम पता चल गया। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों चीजें हैं हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की हेल्प से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड होना चाहिए टोटल डिस्टेंस विच इज 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज x ब्रैकेट में v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो x जो अननोन हमने कंसीडर किया था वो कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमें मिलेगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। दिस इज एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज, सॉरी दैट वन, एवरेज वेलोसिटी। इसे नोट कर अब आगे बढ़ते हैं, और हम एक फिर से टॉपिक कंसिडर करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फटाफट हम इस एक्सेलरेशन के लिए भी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसे हम कह सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी चाहिए, और इसका डायमेंशंस lt माइनस 2 होना चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझा जा सकता है, बहुत सारे वेरिएशंस इसमें पॉसिबल होते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये एक शॉर्ट टर्म रिवीजन कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, और हम चीज़ों को फटाफट समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक इंटरवल में डिफाइन होता है। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन सबको परफॉर्म करने के लिए हमने जो वेक्टर चैप्टर में एडिशन, रिजल्टेंट, सब्ट्रैक्शन, ये सब कैलकुलेशंस देखा था, उनका ही हम यूज करेंगे। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से एवरेज एक्सेलरेशन को भी हम फटाफट समझ लेते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियली ट्रेवल कर रहा था ईस्ट डायरेक्शन, इस तरफ ईस्ट, इसको हम वी इनिशियल वेक्टर कह लेते हैं। अब क्योंकि, और इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, v इनिशियल इसका मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं 5 meter per second। थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता हुआ टर्न ले लेता है और नॉर्थ साइड में ट्रैवल करने लग जाता है, ऑब्जेक्ट इधर जाने लगा, दिस इज v फाइनल वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, 5 meter per second इसका मैग्नीट्यूड है।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. ऑब्जेक्ट वॉज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट इनिशियली, देन इट टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड. इधर से जाता हुआ ऑब्जेक्ट ऐसे टर्न ले लेता है और 5 सेकेंड में ये काम होता है, तो आपको बताने के लिए कहा जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन. अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया. और वेक्टर की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों या दोनों में से कोई एक चेंज होता है तो पूरी की पूरी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द सेम बट वेलोसिटी हैज चेंज्ड कंप्लीटली. तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये वेक्टर के साथ कैलकुलेट करना है, वेक्टर एल्जेब्रा वाले रूल्स को फॉलो करके कैलकुलेट करना है. तो फटाफट हम देखते हैं कि भाई चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो चेंज इन वेलोसिटी क्योंकि v फाइनल और माइनस v इनिशियल है, मतलब v फाइनल एंड माइनस v इनिशियल का रिजल्टेंट है. ये नॉर्थ डायरेक्शन हमने लिया है और ये हमने ईस्ट डायरेक्शन यूज किया है. तो ये रहा हमारे पास v इनिशियल, v फाइनल बना लेते हैं यहां से. ये हमारे पास है v फाइनल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड और हमें फिर क्या चाहिए, माइनस v इनिशियल. हमें v फाइनल एंड v इनिशियल का रिजल्टेंट नहीं लेना है, हमें v फाइनल एंड माइनस v इनिशियल वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है. और क्योंकि v इनिशियल वेक्टर ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है इसलिए माइनस v इनिशियल ठीक इसके रिवर्स में होगा एंड माइनस v इनिशियल वेक्टर को हम सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट मानेंगे. और क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हैं, इसलिए जो इनका रिजल्टेंट होगा जिसे हम चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारे पास हो गया, मॉड की बात कर ले अगर हम, तो ये 5 और 5 का रिजल्टेंट है जिसे हम 5√2 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे. डायरेक्शन की बात करें तो अब क्योंकि ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है तो हम बोलेंगे ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दोनों मैग्नीट्यूड सेम है वेक्टर्स के, इसलिए इधर भी 45 डिग्री होगा और इधर भी 45 डिग्री होगा. तो इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, उसका डायरेक्शन कैलकुलेट किया. और अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन के बेसिक फॉर्मूले में हम यूज कर लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि 5√2 मीटर पर सेकेंड है. 5√2 यूज कर लिया हमने और एग्जांपल में हमने माना था कि चेंज इन वेलोसिटी के लिए जो टाइम इंटरवल हमें गिवन है वो 5 सेकंड का है, इसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं. तो √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम कहेंगे, डायरेक्शन के लिए हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. एंगल 45 डिग्री है, नहीं भी स्पेसिफाइड करेंगे तो अंडरस्टूड होता है. तो इस तरह से देख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल से हम एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम इंटरवल में. सारा कैलकुलेशन वेक्टर्स पे फोकस्ड होगा. और एक और बात है इसमें इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी में चेंज हुआ, पहले इसको नोट कर लेते फिर हम आगे बढ़ते. ये जो एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया इसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हुआ, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो 5√2 आया था. डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट वाज नॉट इक्वल टू 0. कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया जाता है, लेकिन अभी अभी हमने ये भी देखा कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ. अब ये दो अलग अलग बातें हैं, वेलोसिटी चेंज हो गई बट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ. वेलोसिटी चेंज क्यों हुई, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में जो चेंज आया उसे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि नॉन जीरो आया था, 5√2 मीटर पर सेकंड आया था. तो इस पर्टिकुलर केस में या अगर इस तरह के सभी केसेस में अगर हम बात करें जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता बट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, तो वैसे कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नॉन जीरो होता है. लेकिन क्योंकि दूसरी बात, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसे मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम कह सकते हैं डेल्टा चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी. अब इन दोनों बातों को आपको समझना है और खुद ही फोकस करना है इस पे और कॉन्टेम्पलेट कीजिए कि इन दोनों बातों में क्यों डिफरेंस है. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन जीरो इन दिस पर्टिकुलर केस बट चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स
जीरो, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है। अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज आता तो फिर ये नॉन जीरो होता। इसको एक एग्जांपल से ले सकते हैं, फिर से ले लेते हैं। मान लिया आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था और ये वी इनिशियल वेक्टर है और ये इधर ट्रेवल कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये टर्न हो गया, टर्न होके जाने लगा इधर वेस्ट डायरेक्शन में, इसको हम वी फाइनल वेक्टर कह लेते हैं। और जब ये वेस्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाता है तो ये अपनी वेलोसिटी रिड्यूस करके कर लेता है 6 मीटर पर सेकेंड। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए या एग्जाम्पल के लिए चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो वो नॉन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है। और चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल्स टू, फाइनली इसका मैग्नीट्यूड है 6 और इनिशियली मैग्नीट्यूड है 10, तो हम कह सकते हैं -4 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ है। जबकि अगर हमसे चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर बात करने के लिए कहा जाएगा, इसकी बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर, तो फिर हमें वेक्टर कैलकुलेशन का यूज करना पड़ेगा। और वेक्टर कैलकुलेशन का यूज करने के लिए v फाइनल एंड माइनस v इनिशियल का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। मतलब अगर v फाइनल इस तरफ हम एज इट इज प्लॉट कर लेते हैं और माइनस v इनिशियल वेक्टर यहां प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इसका डायरेक्शन इधर होगा। और इस कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम 10 स्क्वायर विच इज 100 प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36 रूट 136 मीटर कहेंगे, मीटर पर सेकेंड ऐसा बोलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे स्टूडेंट्स को लेके, कभी कंफ्यूजन रहता है खासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स को। तो ये चेंज के बारे में आप सोचेंगे और इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें टाइम गिवन होता तो हम इसको टाइम से डिवाइड कर देते, तो साथ ही साथ हमें एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता, नोट कर सकते हैं। ये हमने बात कर ली एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये तीनों क्वांटिटीज एवरेज से अलग है। तो सबसे पहले जनरलाइज्ड वे में हम इसको समझ लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्यों डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन से एक जगह से दूसरे लोकेशन तक ट्रेवल करते हैं, मान लिया आप ए से बी तक ट्रेवल करते हैं, या जनरल लाइफ का एग्जाम्पल, आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो अगर एक शहर से दूसरे शहर के बीच में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है, तो और अगर आपको ट्रैवल करने में 5 आवर्स का टाइम लगता है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड डिपेंडिंग ऑन कि वो डिस्टेंस गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वो 200 / 5 दैट इज 40 किलोमीटर/आवर का होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है कि आप एक शहर से या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाए और आपने व्हीकल शुरू किया 40 किलोमीटर/आवर से, बीच में कहीं नहीं रुके, ना स्पीड बढ़ी ना कम हुई, और सेम कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंचे और फाइनली वहीं पर रुक जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर एवरेज वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है इसको अगर देखें। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और आपकी एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर/आवर निकल के आती है, तो इस बात का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज, मतलब अगर आप लगातार ट्रैवल कर रहे होते बिना किसी वेरिएशन के, तो आप हर आवर में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते तो 5 आवर में उस लोकेशन पे पहुंच जाते, इस बात का ये मतलब है। लेकिन टेक्निकली क्या होता है, हम जीरो वेलोसिटी से शुरू करते हैं, खाली रोड मिलती है तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, कहीं ट्रैफिक दिखता है तो हमें रुकना पड़ता है, कहीं रेस्ट लेने के लिए हम कुछ मिनट्स कुछ घंटे तक रुक सकते हैं। तो इस तरह का जो वेरिएशन है स्पीड में, वहां से एक नया टर्म हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड और साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस एग्जांपल को अब देखते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करने में बीच में हमने मान लिया
ए से सी तक, सी पॉइंट तक, यहां से यहां जाने में आपकी वेलोसिटी रही 10 meter per second, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक ट्रेवल करने में आपकी वेलोसिटी रही 40 meter per second, और डी पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करने में मान लेते हैं आपकी वेलोसिटी रही 5 meter per second। तो अगर ए से बी के बीच में हम देखें तो तीन वेरिएशन है हमारे पास, 10 meter per second, 40 meter per second, 5 meter per second। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और फिर उस पूरे टाइम को डिवाइड करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें अंदर आते हैं, इसके इंटरवल्स को देखते हैं। ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में वेलोसिटी कितनी है, 10 meter per second, तो ये भी एक एवरेज वेलोसिटी ही है जो ए से सी के बीच के लिए डिफाइंड है, लेकिन 40 meter per second सी से डी तक हो जाता है और डी से बी के बीच में वही वेलोसिटी हो जाती है 5 meter per second। तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और मान लिया ड्यूरिंग आवर ट्रैवल आप रुके हैं तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो जीरो रीडिंग दे रहा है, मतलब आपकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या है, जीरो। मान लिया थोड़ी दूर आपने ट्रैवल करना शुरू किया फिर आपका ध्यान स्पीडोमीटर पे गया तो वहां पे आपकी वेलोसिटी 40 kilometers per hour है। तो इस बात का क्या मतलब है, थोड़े एक्सेलरेशन आपने बढ़ा दिया तो वेलोसिटी 80 kilometers per hour पहुंच गई, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह पे आपकी वेलोसिटी 80 kilometers per hour है। तो ये जो बीच में चेंजेस हो रहे हैं इनको ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब इस बात से मेरे कहने का मतलब ये इंस्टेंटेनियस तो नहीं है वैसे, लेकिन मान लिया जाए कि जब आप सी पॉइंट से गुजर रहे थे, आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है ए से बी तक, और हमसे सवाल पूछा गया कि आपकी वेलोसिटी उस टाइम क्या थी जब आप सी पॉइंट से गुजर रहे थे, आपने स्पीडोमीटर देखा और जब आप सी पॉइंट पर गुजर रहे थे तब आपकी वेलोसिटी 10 meter per second थी। तो जो सी पॉइंट की वेलोसिटी है, उस पर्टिकुलर पोजीशन की जो वेलोसिटी है, उसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस वर्ड इंस्टेंट से आया, एक पर्टिकुलर मोमेंट की जो वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। अब सवाल यह है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट की वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम सी पॉइंट से गुजरते हुए अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो मैथमेटिकली डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों हम छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, क्योंकि अगर आप बड़ा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं तो आप उसे एट द पोजीशन सी नहीं कह सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट आवर वेलोसिटी एट अ सर्टेन पोजीशन से सी पॉइंट, देन वी हैव टू कंसिडर अ वेरी स्मॉल इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो आप इसे ट्रैवल करने में जो टाइम यूज करेंगे वो भी काफी छोटा हो जाएगा, और इस डिस्प्लेसमेंट को इस टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, dx डिवाइडेड बाय dt कर देते हैं, तो ये आपको बता देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बात यहां से हमें निकल के सामने आती है। अब इसको एक और एंगल से समझ सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी एक इंटरवल में डिफाइन है, जीरो से लेके मान लेते हैं एक इंटरवल 4 सेकेंड का है, तो जीरो से 4 सेकेंड के बीच का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, वो हमें क्या बताता है, एवरेज। लेकिन अगर हम उस इंटरवल को छोटा करते चले जाए, काफी कम कर दें, वेरी क्लोज टू, मतलब 0 से लेके 0.001 सेकेंड की वेलोसिटी अगर हम देखें, तो क्योंकि ये 0 के काफी क्लोज है इसलिए 0 से लेके 0.001 सेकेंड के इंटरवल की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कॉल्ड वेलोसिटी एट t=0। बिल्कुल वैसे ही अगर आप वेलोसिटी एट t=2 सेकंड जानना चाहते हैं, आपका ट्रैवल पूरा 0 से 4 सेकंड का है, लेकिन अगर आपको बताना है कि t=2 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो हमें क्या करना चाहिए, t=2 सेकंड से लेके t=2.001 उससे भी छोटा एक इंटरवल यूज करना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एट t=2 सेकंड के लिए यूज इंटरवल है, और उस इंटरवल में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी काफी छोटा होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं। और मैथमेटिकली लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये तो एवरेज वेलोसिटी है, और एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस कब बोलेंगे, जब आप एक इंटरवल को इतना समेट देते हैं कि आप एक पर्टिकुलर मोमेंट के क्लोज आ जाते हैं तब हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। और डिफरेंशिएशन और कैलकुलस के लैंग्वेज में लिखने का तरीका है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं, वी इंस्टेंटेनियस is equal to limit delta t tending to zero।
ये इंटरवल जितना छोटा होता चला जाएगा उस छोटे इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही छोटा होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। और फाइनली इस पूरे सिस्टम को लिखने का जो तरीका होता है, जो कैलकुलस का अप्रोच होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं कर सकते, dx/dt होता है, और ये मीटर पर सेकेंड हम इसको कह सकते हैं। तो dx dt जो हमें बताता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, एक पर्टिकुलर मोमेंट की वेलोसिटी बताता है, इसे नोट कर सकते हैं।